हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एरर से हैं। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन एरर से हैं, एरर फाइंड करना है। एक सेंटेंस रहेगा जिसमें एक पार्ट में एरर रहेगा, उस वाले पार्ट को हमें पता करना है, उसको सही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पता करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? वी इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स, लेस्ट दियर अचीवमेंट्स माइट बी फॉरगॉटन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन से पार्ट में एरर है मैं बता देता हूँ आपको। ये डी वाले पार्ट में एरर, इसमें क्या एरर है देखिए दोस्तों। लेस्ट जो होता है, लेस्ट के साथ सूड का प्रयोग होता है, सूड का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। इस बात को आप याद रखें फ्रेंड्स। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, उन सबको आप कॉपी पर जरूर नोट करें अगर आपको पता ना हो तो। देखिए दोस्तों, लेस्ट के साथ सूड आता है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर सूड भी फॉरगॉटन रहेगा। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह रहा दूसरा क्वेश्चन। ही विल नॉट स्केप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन से ऑप्शन में गड़बड़ी है? तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी मतलब पार्ट नंबर सी में एरर है। क्या एरर मैं बता दे रहा हूँ, ही डज नॉट स्पीक, ये वाला एरर है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जब भी वाक्य में अनटिल या फिर अनलेस आए फ्रेंड्स, जब भी वाक्य में अनटिल या फिर अनलेस आए, तो उसके बाद जो भी वाक्य आता है उसमें नॉट का यूज नहीं होता है, निगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डज नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी वाला पार्ट। तो सी वाले मेरा सी वाला पार्ट हमारा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट को जरूर लिखें कि अनटिल और अनलेस के बाद जो भी पार्ट आता है वाक्य का, उसमें नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, बीइंग अ कोल्ड डे नादर माई फ्रेंड नार आई वॉज इन ए मूड टू गो टू मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। क्या एरर है देखिए दोस्तों, जब भी स्टार्ट में दिया हो बींग ए कोल्ड डे, बींग अ रेनी डे, तो देखिए दोस्तों उसमें क्या एरर रहता है, बींग के पहले इट लगाया जाता है। इसमें रहेगा इट बींग अ रेनी डे, इट बींग अ कोल्ड डे, इट बींग अ कोल्ड डे दोस्तों रहेगा, इट बींग अ कोल्ड डे। तो ऑप्शन पार्ट नंबर ए में हमारे एरर है, तो हमारा सही हो जाएगा ए वाला पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, अपने चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, सच स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सबमिटेड दियर टीसी विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, इसमें कौन से पार्ट में एरर है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कौन से पार्ट में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, ए इसमें एरर है, बी वाले पार्ट में। क्या एरर है देखिए दोस्तों, जब भी सच का प्रयोग हो, सच का प्रयोग वाक्य में होता है, तो इसके साथ जो कंजक्शन आता है दोस्तों, वो एज आता है या फिर दैट आता है दोस्तों। इस बात को आप लोग याद रखें, एज या फिर दैट, दोनों में से एक आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसमें दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जब सच के बाद इन दोनों का, मतलब इन दोनों का ही प्रयोग होगा। तो देखिए, इसके बाद कौन सा कंजक्शन आया, हु, तो हु गलत यहाँ पर है दोस्तों। इसकी जगह पर एज लगा सकते हैं आप, या फिर दैट लगा सकते हैं। तो रहेगा वाक्य में, सच स्टूडेंट एज हैव नॉट सबमिटेड, या फिर सच स्टूडेंट्स हु दैट हैव नॉट सबमिटेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, तो ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को आप जरूर लिखें कॉपी में, सच के बाद जो कंजक्शन आती हो, एज या फिर दैट आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह रहा, आई वेंट टू द लाइब्रेरियन एंड कैशियर। ठीक है दोस्तों, मैं पूरा वाक्य नहीं पढ़ूंगा, इसमें देखिए मैं एरर बता दे रहा हूँ आपको, किस पार्ट में एरर है। इसके पहले पार्ट में एरर है। क्या एरर है फ्रेंड्स, क्या एरर है? जब भी दो नाउन हैं अगर, और उनके बीच में एंड लगा है, ठीक है फ्रेंड्स, उनके बीच में एंड लगा है, और पहले वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल मान लीजिए द लग गया है, ठीक है फ्रेंड्स, और इस वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो दोस्तों यह जो है एक ही पर्सन को डिनोट करता है, एक ही पर्सन को दर्शाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर दो नाउन हैं, एंड्स जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले द का प्रयोग है, तो मान लीजिए तब इसका मतलब यह है कि यह दो पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पर दो पर्सन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो नाउन है, लेकिन एक के पहले ही सिर्फ द है, तो इसमें एक के पहले ही द है, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, या एक ही पर्सन है। तो फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में एरर नहीं है, यह एक ही पर्सन है, इस वाले पार्ट में एरर नहीं। आप एरर हमारे बी पार्ट में, क्या एरर है? यहाँ पे दे की जगह ही रहेगा फ्रेंड्स, दे की जगह ही रहेगा, सॉरी मैंने गलती से ए बोल दिया था, लेकिन दे की जगह पे ही रहेगा, इस वाले पार्ट में रहते हैं, बी वाले पार्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइब्रेरियन और कैशियर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों इसमें क्या रह रहे हैं, दो सुपरलेटिव वर्ड साथ में नहीं आ सकते हैं, दो सुपरलेटिव वर्ड साथ में नहीं आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मोस्ट और परफेक्ट दोनों सुपरलेटिव हैं, तो मोस्ट को यहाँ से रिमूव करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाट इज़ देयर विच इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, वाट इज़ देयर विच इज अ सीक्रेट। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी सेंटेंस हो जो इंट्रोगेटिव से स्टार्ट, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो पर सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई कंजेक्शन का यूज हुआ है, तो फ्रेंड्स उस वाले वाक्य में कंजेक्शन विच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स, विच का यूज नहीं होगा। वहाँ पर दैट का यूज कर सकते हैं आप लोग, तो बी वाले पार्ट मेरर हैं, तो विच की जगह पर दैट का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यार बाय द डेथ ऑफ राजीव गांधी अ ग्रेट स्टेट्स मैन एंड पॉलिटिशियन वेयर लॉस्ट। देखिए दोस्तों वेयर का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और राजीव गांधी तो एक ही इंसान थे, दो तो थे नहीं, राजीव गांधी एक ही व्यक्ति का नाम है, तो वेयर किसके लिए आया है, इनके लिए ही आया, लेकिन यह तो एक व्यक्ति है, सिंगुलर नंबर है, तो दोस्तों इसकी जगह क्या प्रयोग होगा, वाच का, ठीक है दोस्तों वाच का प्रयोग होगा, तो हमारे सी वाले ऑप्शन में एरर है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। राजीव गांधी एक ही व्यक्ति हैं, तो इनके लिए वाच का प्रयोग होगा ना कि वेयर का, सी वाले में एरर, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इसमें क्या एरर है, यू हैड बेटर टू स्टॉप योर वर्क फॉर सम टाइम। देखिए दोस्तों इसमें किस पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है, क्या एरर है, यू हैड बेटर, हैड बेटर के बाद दोस्तों, हैड बेटर के बाद, हैड बेटर के बाद दोस्तों इन्फिनिटिव नहीं आता है, इन्फिनिटिव मतलब दोस्तों टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, हैड बेटर के बाद दोस्तों टू का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बी वाले पार्ट में एरर है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दसवां क्वेश्चन, अ सीवियर कोल्ड प्रिवेंटेड द प्रेसिडेंट बीइंग प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है, इसमें सी वाले पार्ट में एरर है, क्या एरर है दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए अ सीवियर कोल्ड प्रिवेंटेड द प्रेसिडेंट, बीइंग से पहले आपको एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा, बीइंग से पहले आपको एक प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, तभी यह पिछले वाले वाक्य का संबंध बताएगा दोस्तों नेक्स्ट वाले वाक्य से। तो बीइंग से पहले एक प्रीपोजिशन फ्राम का हम यूज करेंगे, तो यह वाक्य हमारा पूरी तरह से सूटेबल सही हो जाएगा दोस्तों। किस वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में, तो सी वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।